2021 में मुझे काफी मेजर कोविड हुआ था। उसके बाद थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ चलते हुए फरवरी 2023 में मुझे एवीएन का पता लगा। एवीएन का जब मुझे पता लगा तो डायरेक्ट डॉक्टर हरप्रसाद जी के हल्द्वानी आ गए। आज अगस्त 2023 को मेरी छठी सेटिंग हो चुकी है। मुझे दर्द ना के समान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 2021 में मुझे काफी मेजर कोविड हुआ था। उसके बाद थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ चलते हुए फरवरी 2023 में मुझे एवीएन का पता लगा। एवीएन का जब मुझे पता लगा तो डायरेक्ट डॉक्टर हरप्रसाद जी के यहाँ हल्द्वानी आ गए। मैंने बहुत ज्यादा कोई इंक्वायरी नहीं की क्योंकि मेरे एक दो विशिष्ट मित्रजन परिवार वाले यहाँ ऑटोमेटिक आए हुए थे काफी 6-8 महीने पहले से, क्योंकि वे लोग भी एवीएन से ग्रस्त थे। मुझे डॉक्टर साहब के बारे में ट्रस्ट भी था और पता भी था, इसलिए मैंने बिना समय गवाए हुए विद इन 48 आवर्स मैं डॉक्टर साहब के यहाँ था। आज अगस्त 2023 को मेरी छठी सेटिंग हो चुकी है। मुझे दर्द ना के समान है, थोड़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के बाद थोड़ा बहुत पेन होता है, अन्यथा कोई पेन नहीं है और एक्सरे के अनुसार मेरी रिकवरी भी काफी अच्छी है। तो मैं सभी भाइयों को से यही अपील करूंगा, अगर कभी किसी को पहले तो ये दिक्कत होना और अगर कभी किसी को समस्या होती है तो इधर उधर अपना समय ना व्यर्थ करें। बिफोर आफ्टर एक्सरे प्रेजेंटेशन मिस्टर रजनीश गोयल 42 ईयर्स मेल। He came to us on February 6th of February 2023 with a grade 3 AVN on the left side and early second stage in the right side. So, इनके internal nailing हो रखा है और उसके बाद इसको COVID हुआ था। COVID के वजह से इसके vascular necrosis हुआ और as you can see इस एरिया में काफ़ी आपका है दिक्कत। दिस इज द जोन, ये जोन था और इधर का बोन काफ़ी इधर थोड़ा सा ड्राई हो रहा था, हल्का सा अर्ली स्टेज में था। और इन्होंने हम लोग के पास आया हुई थे सीवियर पेन एंड लिम्पिंग, तो इनको हम लोग फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस किया हुई थे हेल्प ऑफ ऑर्थोटिप्सी एंड रोबोटिक प्लस पाल्स एंड डीएक लेजर। और इनके सेकेंड एक्सरे हमने किया था 24 अप्रैल 2023 को और इसमें आपका पेन वगैरह रिड्यूस हुआ है और काफ़ी इसका जो बोन के मैट्रिक्स है बिल्कुल नॉर्मल है। पेन काफ़ी सबसाइड हो गया था और बोन में कभी लॉस नहीं हुआ उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद। Then we have done a third X-ray, as you can see, this is a third X-ray on date of 30th July 2023 और इसमें बेहतरीन रिजल्ट हमने दे पाए हैं। आप देखेंगे बोन अच्छे से रिवास्कुलर हुआ है, यहाँ से बोन काफ़ी अच्छा रिवास्कुलर हुआ है, जो नेकोसिस जोन है वो रिड्यूस हुआ है और कोई बोन लॉस हुआ नहीं उसके बाद। तो और अप्रोक्सीमेटली पेन भी सबसाइड हुआ है लगभग 80-90% करीब। तो गाइस अगर आप लोगों को अगर एवियन है तो ऑर्थोडिप्सी फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट। और एज यू कैन सी इन दिस एक्सरे प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स है और बोन डेंसिटी काफ़ी बढ़ा है उसके बाद और बोन कुछ लॉस नहीं हुआ इन 6 मंथ पीरियड के अंदर। बोन एज इट इज़ है
बोन बिल्कुल रिवर्सकुलर हुआ है, बोन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंटैक्ट हुआ है, और एंजियोजेंस के थ्रू न्यू वास्कुलेशन हुआ है जिसकी वजह से बोन सेल डेथ आगे हुआ नहीं है और वो स्टॉप हो गया है। तो ऑन द फर्स्ट ट्रीटमेंट ओनली बोन रिवर्सकुलर हो जाते हैं, तो उसमें डरने वाला कोई बात है नहीं। तो जितना जल्दी आप इसको इलाज को ले पाएंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे। थैंक यू। ऐसे तक भी नहीं दर्द होता ना? ऐसे इसमें दर्द उधर की साइड कराने पड़ेगा। खिंचाव है, दर्द नहीं है। दर्द नहीं है, खिंचाव है, ना कुछ नहीं है। पैर को इसको कट कट की आवाज आ रहा है यहां पे। इस पैर को सीधा ऊपर उठाइए जी। इस पैर को इसमें तो बिल्कुल ताकत नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, AVN is curable. AVN hip joint treatment without any medicine or operation. Why replace when we can repair, regenerate and regrow? By renowned Dr. Harprasad, MPT Ortho MIEP Laser Specialist, US and Germany, at Advanced Global Health Spine Joint and Laser Center.